क्या गाइज आपका भी फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट होता है, बहुत ज़्यादा हैंग करता है या बहुत ही स्लो चलता है? तो गाइज इस वीडियो को आप सिर्फ लास्ट तक देखिए, आपका एक डाउट मैं क्लियर करने वाला हूँ। काफ़ी लोग उस डाउट को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं और उससे क्या होता है कि उस डाउट में फंस कर काफ़ी लोग अपने फ़ोन को भी एकदम लॉस कर देते हैं, यानी कि पूरा ख़त्म कर देते हैं। तो सिर्फ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आप लोग ज़रूर समझ सकते हैं और मैं इस वीडियो में पूरा एक्सपीरियंस के साथ बताने वाला हूँ। जैसे गाइज मेरे पास दूसरा जो फ़ोन है उसमें आपको लाइव स्क्रीन के साथ दिखाऊंगा कि क्या क्या कैसे हो सकता है। जैसे गाइज मैं आपको बता दूं, काफ़ी लोग जो पुराना फ़ोन यूज करते हैं जैसे 2018 मॉडल, 2017 मॉडल, तो ऐसे में हैंगिंग प्रॉब्लम बहुत ही तेज़ी के साथ होती है और नए नए जो ऐप एप्लीकेशन आ रहे हैं तो बहुत ही मतलब हर महीने या हर हफ्ते उसमें नए नए अपडेट आते रहते हैं जिससे आपको अपडेट करना पड़ता है। प्ले स्टोर में जाकर उसको आप अपडेट करते हैं तो काफ़ी लोग क्या होता है, काफ़ी लोग अपडेट भी नहीं कर पाते क्योंकि स्टोरेज ही कम आता था पहले। स्टोरेज कम होने के कारण अगर अपडेट करते हैं तो उनका स्टोरेज फुल बताने लगता है और ऐसे में काफ़ी एप्लीकेशन को डिलीट करना पड़ता है। तो गाइज ऐसी सारी प्रॉब्लम जो आ रही हैं और आपका स्टोरेज भी कम है तो हम कैसे निजात पा सकते हैं, उससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं, इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ समझाने वाला हूं। अगर आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा पुराना है तब पर भी आप सोच रहे हैं कि हम सभी एप्लीकेशन को यूज भी करें और हम अपने फ़ोन को कूल मतलब देते रहें, यानी कि ठंडक रहे और उसमें कोई हैंग का कोई प्रॉब्लम ना रहे, तो आप सिर्फ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको एक जेन्युइन ट्रिक भी बताने वाला हूं, एक आपका डाउट भी क्लियर करने वाला हूं। अब देखिए गाइज मैं यहाँ पर अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन कर रहा हूँ और आपके बगल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको मैं बताने वाला हूँ कि लोग कैसे बेवकूफ़ बन रहे हैं प्ले स्टोर में जाकर। अभी तक मैं क्या करता था गाइज, मैं काफ़ी लोगों को देखा कि जैसे फ़ोन हैंग करना स्टार्ट हो जाता है तो उनके दिमाग में सिर्फ यही आता है कि हाँ फ़ोन हैंग हो रहा है तो हम कैसे सिस्टम करें कि मेरा फ़ोन हैंग करना बंद कर दे। वैसे प्ले स्टोर में जाकर इतने सारे एप्लीकेशन भी मौजूद हैं कि वहाँ पर सिक्योरिटी या हैंगिंग प्रॉब्लम सोल्यूशन, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन आपको मिल जाएंगे जिससे क्या होगा कि आप वही एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या होगा कि आप उस एप्लीकेशन को जैसे इंस्टॉल करते हैं तो आपका फ़ोन और तेज़ी के साथ हीट होना स्टार्ट हो जाता है। तो यही प्रॉब्लम का आपको मैं सोल्यूशन देने वाला हूं कि आप बिना एप्लीकेशन को इंस्टॉल किए कैसे आप उससे छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एप्लीकेशन ही दिखा देता हूं, मैं कोई प्रमोट एप्लीकेशन नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक बहुत ज़्यादा मतलब कि क्लियरिटी के साथ बताने वाला हूं, इससे स्ट्राइक भी पड़ सकती है हमारे चैनल पर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोगों को एक तरीके से स्टार्टिंग लेवल से आपको अच्छे से सिखाने के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप भी अपने फ़ोन को यूज करते हैं तो आप सिर्फ उसको वैल्यूबल बनाएं, ये नहीं कि दूसरों के साथ उसको संपर्क में लें और हीटिंग प्रॉब्लम उसको करवाएं। तो प्ले स्टोर में जाने के बाद काफ़ी लोग ऐसे सर्च करते हैं, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर फ़ोन हैंग, अब फ़ोन हैंग मैं सर्च किया हूँ, अब यहाँ पर फ़ोन हैंग जैसे मैं सर्च किया तो यहाँ बहुत सारे एप्लीकेशन का नाम नहीं लूँगा मैं, क्योंकि एप्लीकेशन का अगर नाम ले लूँगा तो स्ट्राइक तो निश्चित तौर पर पड़ जाए, क्योंकि ये सब एप्लीकेशन जो है जेन्युइन एप्लीकेशन बनाकर लाइसेंस लेकर ही प्ले स्टोर पर लाए गए हैं, तो इन सब एप्लीकेशन को मैं नाम लेकर नहीं कर सकता। लेकिन आप खुद ही समझ सकते हैं, जैसे कि आप फ़ोन हैंग सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे ही दिखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत सारे एप्लीकेशन देखेंगे, तो ऐसे में काफ़ी लोग इन्हीं सारे एप्लीकेशन को यूज कर देते हैं। यूज कैसे करते हैं, इंस्टॉल करेंगे, उससे क्या करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद उसमें जो भी ऑप्शन देगा कि यहाँ अपने फ़ोन को क्लियर करो तो अपने फ़ोन को क्लियर कर देंगे। यहाँ पर होगा कि आप अपने डाटा को स्टोरेज में रखो, एक्स्ट्रा स्टोरेज आपको मिल रहा है, तो ऐसे में सभी लोग यही सिम परेशान रहते हैं तो वह स्टोरेज अलग नहीं मिला रहता है, आपके फ़ोन से ही स्टोरेज को चुराया जाता है और जितना बचा हुआ स्टोरेज रहता है उसमें और उसका भर दिया जाता है जिससे आपका फोन और हीट हो जाता है। मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं, जब आप फोन लेने जाते हैं तो वहां पर आपको 8GB रैम बताता है, तो 8GB में आपका 7GB ही यूज करने के लिए दिया जाता है फोन की तरफ से, 1GB जो होता है आपको छुपाया जाता है, आपके मतलब कि स्टोरेज को छुपा लिया जाता है फ़ोन की तरफ से। ऐसे में क्या होता है जब आप 7GB को फुल कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन देना स्टार्ट कर देगा, अगर आपका मतलब 8GB पूरा दे दिया जाएगा फ़ोन की तरफ से तो आप 8GB पूरा फुल कर देंगे तो नोटिफिकेशन कहाँ से आएगा, नोटिफिकेशन के लिए स्टोरेज चाहिए तभी तो आपको नोटिफिकेशन देगा, उसको वर्क करने के लिए कुछ ना कुछ स्टोरेज चाहिए तभी तो आपको नोटिफिकेशन देगा। तो इसलिए फ़ोन की तरफ से 1GB जो
होता है उसको चुरा लिया जाता है, आपको 7GB पकड़ा दिया जाता है, और 7GB में आप यूज करें चाहे जो भी करें, और 1GB जो होता है आपको नोटिफिकेशन देता है, आपको सूचना प्रदान करता है कि हाँ इतना आपका फुल हो रहा है, इतना आपसे हैंग हो रहा है आपका फोन, आप इसको कूल करिए, ये सब नोटिफिकेशन के लिए 1GB जो होता है उसको चुरा लिया जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, काफी लोग क्या करते हैं ऐसे सारे एप्लीकेशन को यूज कर लेंगे, जिससे क्या होगा जो चुराया रहेगा मतलब फोन जो मतलब एक्स्ट्रा आपका स्टोरेज रखे रहेगा वो भी उसी में ऐड कर लेगा, और ऐसे में आप क्या करेंगे कि हाँ स्टोरेज आपको लगेगा कि स्टोरेज मिल गया है फ्री में, आप उसमें भी फोटो वगैरह जो वीडियो वगैरह रहेगा सब फुल कर देंगे भर के, तो ऐसे में आपका फोन और भी ज्यादा हीट होने लगेगा और भी ज्यादा हैंग करने लगेगा और आप उससे छुटकारा भी नहीं पा सकते। इससे क्या होता है ब्लास्ट का प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होता है, काफी लोग ऐसे ही झेलते हैं, ब्लास्ट हो जाता है फोन, चेहरा खराब हो जाता है, या फोन करते रहते हैं बात करते रहते हैं ब्लास्ट हो जाता है, तो इन्हीं सब चक्करों से ब्लास्ट होता है। जब आप अपने स्टोरेज फुल कर देंगे उसको जगह ही नहीं देंगे, आपको नोटिफिकेशन देने का कोई जगह ही नहीं रहेगा उसके पास, तो क्या करेगा ऑटोमेटिक ब्लास्ट हो जाएगा। तो मैं आपको यही से समझाना चाहता हूं कि आपके फोन में हमेशा कुछ ना कुछ ऑप्शन दिए जाते हैं, एप्लीकेशन दिए जाते हैं स्टोरेज को मैनेज करने के लिए। जैसे गाइस OnePlus के फोन में तो अभी तक कोई भी ऐसा एप्लीकेशन नहीं आया है कि आप अपने फोन को क्लियर करते रहे, लेकिन तब पर भी इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम दिए गए हैं, ऑटोमेटिक सेंसर दिए गए हैं, जिससे आपका फोन जब हैंग करना स्टार्ट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक यहां पर कूलिंग सिस्टम का एक नोटिफिकेशन आता है, उसको आप क्लिक करके क्लियर करते रहते हैं, उसमें आपका ऑप्शन भी आता है। अभी 2-3 दिन पहले फुल हुआ था मेरा स्टोरेज, तो एक नोटिफिकेशन आया था और ऑटोमेटिक वहां से ऑप्शन आ जाता है जिससे आप उसको डिलीट कर सकते हैं। तो ऐसे में गाइस यहां पर नोटिफिकेशन की सुविधा ऑटोमेटिक दे दी गई है AI के द्वारा, मोबाइल जो बनाई जा रही है उसमें आपका ऑटोमेटिक सिस्टम दिया जा रहा है, आपका कोई मतलब नहीं रहेगा, सिर्फ आप फोन यूज करिए, आपका जो सिस्टम रहेगा ऑटोमेटिक वो क्लीन करता रहेगा और आपसे पूछ करके क्लीन करेगा, नहीं कि आपको दिखेगा नहीं और आपका फोटो वगैरह सब डिलीट कर दे, आपसे पूछेगा, नोटिफिकेशन देगा कि आप डिलीट करना चाहते हैं कि नहीं। तो वहां पर जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इसमें एक ऑप्शन दिया गया है, जब आप अपने फोटो को क्लिक करते हैं कहीं से खींचते हैं तो आप डिलीट कर देते हैं, कुछ दिन बाद आपको जैसे अच्छी नहीं लगी फोटो तो डिलीट कर देते हैं, तो ऐसे में काफी लोग डिलीट कर देते हैं। तो यहां पर स्टोरेज दो प्रकार से दिए गए हैं, अगर आप फोटो को डिलीट करते हैं तो एक स्टोरेज और होता है जहां पर आपकी फोटो को 30 दिनों के लिए सेव में रखा जाता है, यानी कि आप 30 दिन में अगर उसको आप वैल्यूएबल बनाना चाहते हैं या इंपॉर्टेंट आपको फोटो लगती है वो, तो आप फिर से उसको कवर कर सकते हैं। तो यही सब होता है, स्टोरेज आपका फुल हुआ रहता है, आप भले ही यहां से डिलीट कर देते हैं लेकिन तब पर भी आपका स्टोरेज फुल ही रहता है। तो पूरा कुल मिलाकर मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि फालतू के एप्लीकेशन को आप यूज ना करें, आपका जो फोन है खुद ही इतना स्मार्ट बन चुका है, जैसे कि आप जानते हैं स्मार्टफोन है तो एक ऑटोमेटिक स्मार्ट बनता जा रहा है और आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको ये नहीं कि मेरा फोन दग जाएगा या फ्लास्ट हो जाएगा। आपका जो पुराना फोन है हाँ उसमें दिक्कतें हो सकती हैं, तो पुराने फोन की मैं बात करता हूँ तो पुराने फोन में दिक्कत हो सकती है, आप उसमें ज्यादा एप्लीकेशन यूज ना करें, सिंपल यूज करें एप्लीकेशन को जो इंपॉर्टेंट हो, उसमें सिर्फ बात करने का ही एप्लीकेशन यूज करें, मैं यही कहूंगा, क्योंकि पुराने फोन में जो स्टोरेज थे वो नए फोन एप्लीकेशन के मुकाबले नहीं है, क्योंकि जो नए एप्लीकेशन आ रहे हैं या पुराने एप्लीकेशन अपडेट हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा हाई रेंज में हैं और बहुत ज्यादा रैम लेते हैं, तो ऐसे में अगर आपका फोन बहुत ज्यादा हल्का होगा तो आपका फोन नहीं चल पाएगा। तो आप नया फोन लीजिए, जो पुराना फोन आपके पास है उसको सिर्फ बात करने पर ही लगाए रहिए। तो जैसे गाइस मैं आपको बता दूं कि मैं भी इसलिए जो फोन से मेरा वीडियो शूट हो रहा है वो भी फोन नया है, न्यू है, और ये भी फोन मैं न्यू लिया हूं वीडियो बनाने के लिए, वीडियो में आपको समझाने के लिए, तो यही आपको समझाना था और मैं सोचा कि आपके लिए एक जेन्युइन वीडियो होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसी वीडियो नहीं पाते हैं कहीं पर भी, और ऐसी वीडियो में कोई समझाता भी नहीं इतना देर तक, कोई मतलब कि बकबक नहीं करता है। मैं जानता हूं कि आप हमारे चैनल पर आए हैं और हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोग ये ज़रूर समझते होंगे कि हाँ इस वीडियो पर, इस चैनल पर जेन्युइन वीडियो मिलती है। तो आप लोग अगर अभी तक वीडियो में रुके हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका जो बताया हूँ, आपको जो मैं समझाया हूँ, आप लोग अगर उसी तरह से वर्क करेंगे तो आपका फोन निश्चित तौर पर अच्छी तरीके से चलता रहेगा, आपको कोई भी डरने की जरूरत नहीं होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए दिन, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।